So it was something coming from him, it was such a big feeling. But the moment we saw the film, I realized that this is something which is going to be a turning point. So I wish Zaid and Amal best of luck, and entire team a best of luck for the music. बेसिकली मुराद भाई ने ये कहा कि अगर खुदरा खासा पिक्चर गड़बड़ हो जाए तो पूरा ब्लेम मुझ पर आता है। These guys have done an amazing job. और Zaid has directed the film. He's very talented. एक अलग किस्म की फिल्म बनाई इन्होंने स्पोर्ट्स बैकड्रॉप के ऊपर. अभी क्योंकि फिल्म डिले हो गई तो इसलिए मिल्का आ गई. मिल्का It's a nice film. No, it's pretty okay. बस ये भी उतनी चल जाए तो आप क्या लगता है मुराद भाई आपको फीलिंग कैसी होगी? मुराद भाई हीरल के साथ थोड़े से बिजी हैं. नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ये मिल्का जितनी चल गई तो आपको आप डिसअपॉइंटेड होंगे इसके अंदर. टी सीरीज ने प्रमोट नहीं की ज्यादा या हम ही चुप गए यानी बिल किस पे फाड़ो. मैं बस ये कहना चाहता हूँ दैट आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव गॉट अ फिल्म लाइक ख्वाब टू कंपोज. मुराद भाई और ज़ैद भाई और संजय जी जो वहाँ बैठे उन्होंने आए थे यहाँ मेरे पास कैसा म्यूजिक करना है बिकॉज स्पोर्ट्स की फिल्म में म्यूजिक बहुत मतलब वहाँ पर सिचुएशन नहीं होते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि एक रोमांटिक एंगल है वहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं तो हमने शाम शाम उगती है तेरे सवालों में सुबह उगती है तेरे ख्यालों में. मैंने वो गाना गाया जो कि फिल्म में नहीं है. एल्बम में है फिल्म में नहीं है. और आप ही ने ये गाना गाया है. राहत फतेह अली साहब ने गाना गाया था. आई थिंक इन्होंने चेंज कर लिया खुद गा रहे हैं. One very interesting thing that we're doing with our launch today is that usually we have CDs and copies and we wanted to launch our music digitally because everyone is on the internet, everyone likes to listen to music online. So I would request Salman Bhai to just, okay. To launch our music and for the, we're going to do our launch digitally. And before we Shikha is by Shikha Sankar from Times. From Times. नेता के तुमने क्या सवाल पूछा है इसका जवाब मैं क्या दूं? एक जो मैं घर में बोलता हूँ कि मेरे क्या ख्वाब हैं या एक जो बाहर बोलने की बातें हैं. मैं ज्यादा सोता नहीं हूँ ख्वाब देखने के लिए. जब ख्वाब आते हैं तो डरावने ख्वाब आते हैं जो कि जगा के रहे इसलिए आंखें कभी नहीं बंद करता मैं. क्यों नहीं आते सबसे बड़ा सर सेलिब्रिटी तो ये आदमी हो गया है. जब भी मिलता है पहचाना 25 साल हो गए यार अभी तो इंट्रोड्यूस करना बंद कर दो अपने आप को. मतलब पार्टी
इनका एक हाँ इनका इनका नाम मुझे पता नहीं, तो ये बोल रहे थे कि मेरे बारे में दो बात कर दो, तो मैं बोला चलो ये मौका ले लेता हूँ ख्वाब के म्यूजिक लॉन्च के ऊपर, इनके होर्डिंग लगने वाले तो इनकी थोड़ी सी तारीफ कर देता हूँ। इन्होंने एक दिन मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया, तो प्लीज आ जाना बर्थडे पे, तो आज से ठीक है कब है जैसे जब भी आओगे हम सेलिब्रेट कर लेंगे। ऐसा बर्थडे कब है, उन्होंने पता नहीं कौन सा डेट दिया है, जैसे यहाँ पे नहीं हो, नहीं नहीं सर जब भी आप आओगे हमारा बर्थडे उस दिन। प्रिंसिपल्स फंडे बड़े करेक्ट हैं इनके। थोड़ी सी तारीफ कर दो बुराता ये थिएटर्स एंड यू गाइस शुड बी एबल टू वॉच दिस फिल्म्स। Salman, do you still watch cricket? If yes, do you think IPL is good for India? Yeah, I'm not a cricket fan. I don't watch that much cricket. But IPL is a very entertaining sport. My father watches it, cricket. I mean, it's really fast-paced. And Arbaaz watches, my father watches it. So they seem to like it. So I think it must be a good thing. Any if your TRP ratings are good and you know people enjoying it, it's a good thing. मैडम, मैडम,